श्योपुर में आज कांग्रेस द्वारा बढ़ती हुई चोरी और लूट की घटनाओं और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि श्योपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई चोरी और लूट की घटनाएं आए दिन हो रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिससे लोगों को अब घर से निकलने में भी डर लगने लगा है। इसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया और कांग्रेस पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक को बताया गया कि बढ़ती हुई चोरी और लूट की वारदात को लेकर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, जिससे शहर का माहौल सही बना रहे। इन वारदातों को लेकर एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम उचित कार्रवाई करेंगे। श्योपुर से गोविंद कर की रिपोर्ट। जैसे यहाँ रेत माफिया चल रहा है, उनका चोरी का कोई मतलब नहीं, उनकी ट्रॉली बंद नहीं होना चाहिए। जो मोटरसाइकिल की जो चोरी कर रहे हैं उसमें भी नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी रेत बिकना चाहिए, उनका धंधा होना चाहिए। जो भले आदमी गांव से आते हैं, श्योपुर में आते हैं, शहर में आते हैं, मंडी में आते हैं, उनको पुलिस उठा ले जाती है होटलों से, इसका मैं विरोध करता हूँ। और जो सही चोर है उनको पकड़ा जाए, निर्दोष आदमियों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था नहीं बैठी प्रशासक से, तो हम कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसका दोषी सीधा हमें गृह मंत्री लग रहा है, जो पुलिस विभाग पे कोई कसेल नहीं कस रहा है, और जो मामला हो रहा है वो सरेआम हो रहा है। जो अच्छे प्रभारी हैं उनको थाना से हटा दिया गया है, जो घसड़ पसड़ है उनको रख दिया गया है, और भाजपा का नेता उनकी सरकार की बात करते हैं और वे खुद ज्ञापन भी देना चाहते हैं। तो मुझे ये बेरुपया पार्टी का समझ में नहीं आता है कि सरकार ज्ञापन देती है या शासक करती है। अगर शासक करना नहीं आता है नरोत्तम मिश्रा ने, तो अपना गृह मंत्री से इस्तीफा दे दे। नए कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, या तो गृह मंत्री जी ने साथ में दे दी हो समस्या श्योपुर के लिए, कि एसपी साहब श्योपुर में समस्या ले जाओ, सुख शांति रहना नहीं चाहिए। वह कांग्रेस का विधायक है, विपक्ष का विधायक है, उसको बदनाम होना चाहिए कि रोज की घटना चोरी की होती है। अच्छे अच्छे मीडिया भाई या कोई मैनेजर, अच्छा कर्मचारी, वो अपने ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों अच्छे लोगों की मोटरसाइकिल 5 मिनट में गायब हो जाती है। ऐसी श्योपुर में व्यवस्था तो हमारी कांग्रेस कमेटी ने, हमारा अध्यक्ष अतुल चौहान और पूरे कार्यकर्ता हमारा वरिष्ठ लोगों ने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि चोरी और मोटरसाइकिल और जितना थाना प्रभारी है उनसे मैंने अभी बात रखी है, एसपी महोदय से, अधीक्षक जी से, कि जो हमारा मीडिया भाई है वो भी एक 30 सितंबर कानून का वो भी अपनी बात को रखते हैं, तो इनको बाइट देना चाहिए। अधिक प्रभारियों को मीडियाओं से बात करना चाहिए, हम प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए, बाइट देना चाहिए कि कारण क्या है, कुल्ली हुआ है या चोरी है। तो इसमें चोरी हो रही है कुछ